सीएए का सीधे तौर पर विरोध करते हुए नजर आए केजरीवाल। कहा, असली मुद्दों का समाधान करने के बजाय भाजपा वाले सीएए लाए हैं। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस वक्त सीएए को लेकर बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें कि 11 तारीख को भाजपा के तरफ से सीएए लाया गया था, जिसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर इसका विरोध कर रही हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी का भी सीएए को लेकर बयान निकलकर सामने आ गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर सीएए का विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट के माध्यम से भाजपा पर करारा हमला किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा, 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। बीजेपी शायद दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार रहे हैं और जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। तो देखा आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट से भाजपा पर करारा हमला किया है और मनसा साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी सीएए का विरोध करती रहेगी और भाजपा को इसका लोकसभा में लोगों के द्वारा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि भाजपा को सीएए का फायदा होता है या नुकसान। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे न्यूज़ लॉकर। आपके लिए न्यूज़ रूम से अमन बड़ियार की रिपोर्ट।